एंड्रोसिन बीएच, तो ये एक अच्छा एंटीबायोटिक तो है ही है। और साथ में किसान भाइयों, साथ में ये बीएच के साथ आता है, कहने का मतलब है कि ब्रोहेक्साइन, तो ये एक तरह का कफ सिरप है। क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि जब पोल्ट्री में सीआरडी या बैक्टीरियल इन्फेक्शन आती है, तो उसमें यही कहा जाता है कि आप इनको कोई अच्छा सा एंटीबायोटिक के साथ साथ कोई कफ सिरप भी ज़रूर दें। क्योंकि यदि सीआरडी जैसी बीमारी आपके बैच में आती है, तो इसका जो डायरेक्ट असर है बर्ड के ब्रीथिंग पर पड़ता है, उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पड़ता है, बर्ड को सांस लेने में दिक्कत आती है। कारण उसका यही रहता है कि उनकी जो सांस की नाली है उसमें रेशा जम जाता है, चिकनाहट जम जाती है, मेम्ब्रेन जमने लगता है, जिसकी वजह से हमारा बर्ड सीकता है और गड़गड़ाहट की उनकी में भीतर जो है वो आवाज़ आने लगती है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये एंड्रोसिन, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये एंड्रोफ्लोक्सिन विद ब्रोहेक्साइन आता है। तो इसका जाहिर सी बात है कि बीएच का मतलब यहाँ पर ये है कि ये कफ सिरप के साथ आ रहा है। बहुत से फार्मर मेरे वीर ऐसे हैं कि जब उनका बर्ड वो लगभग 25-30 दिन के भीतर रहता है और उनके फार्म में ये सीआरडी की शिकायत आने लगती है, तो वो एंटीबायोटिक देने में बिल्कुल गुरेज करते हैं कि इसका जो असर है बर्ड के ग्रोथ पर हमें देखने को मिलेगा। तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि एंटीबायोटिक की वजह से जो है ग्रोथ में तो असर थोड़ा सा पड़ता ही है। लेकिन यदि आप 2-3 दिन के बीच बीच ही लिफ्टिंग कराने जा रहे हैं, तो आप एंटीबायोटिक मत यूज़ करें। और यदि आपका जो लिफ्टिंग को टाइम है, तो ना चाहते हुए भी फिर आपको एंटीबायोटिक यूज़ करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये जो समस्या है फिर धीरे धीरे बढ़ने लगती है, मोर्टैलिटी स्टार्ट होने लग पड़ती है, तो खुदा ना खास्ता यदि ये ज़्यादा बिगड़ जाती है, तो ये जो है इकोलाई और सीसीआरडी का रूप भी धारण कर सकती है। तो किसान भाइयों, यदि सीआरडी की समस्या लगभग 25 या 30 दिन के भीतर भीतर आती है, तो इसमें क्या रहता है कि हम जो है मोस्टली किसान भाई, ये जो पाउडर फॉर्म में एंटीबायोटिक आते हैं, चाहे वो आप ट्रोक्स की बात कर ले, टाइलोसिन टार्ट्रेट, या फिर लिवोफ्लोक्सिन लिक्सन पाउडर की बात कर ले, टेट्रासाइक्लिन की बात कर ले, डोक्सीसाइक्लिन की बात कर लें, तो इस एज में आके आपको ये पाउडर है वो काफ़ी मिकदार में अपने बर्ड को देना पड़ता है। यदि आपके फार्म पर जो स्थिति है वो बिल्कुल नाजुक हो चुकी है, क्रिटिकल हो चुकी है। और जितने भी मैंने आपको ये पाउडर बताए, ये लगभग 800 से लेकर 900 रुपए का आपको 100 ग्राम की लगभग पैकिंग में पड़ता है। और यदि हालात ज़्यादा नाजुक है, तो ये जो डोज है किसान भाइयों, 1 ग्राम ये जो पाउडर मैंने आपको बताए, 1 लीटर पानी में रेकमेंड किए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि यदि आपका 1000 बर्ड 400-500 लीटर एक दिन में पानी पी रहा है, तो उनको ये जो डोज बन जाती है लगभग 400 ग्राम, कहने का मतलब है कि आपकी 3 से लेकर 4 हज़ार की डेली की मेडिसिन बन जाती है। यदि आपके फार्म पर मोर्टैलिटी बहुत हो चुकी है, सीआरडी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बन चुकी है स्थिति, तो ऐसे हालात में आप किसान भाइयों, जो आप देख रहे हैं एंड्रोफ्लोक्सिन या एनरो बीएच के नाम से जो आती है इस कंपनी की, तो आप जो है इसके साथ जा सकते हैं। तो यदि इसकी मैं डोज बताऊं आपको, तो ये इन्होंने डोज जो इस पर मेंशन की है कि आपने 1 ml 20 kg बॉडी वेट के पीछे 1 ml आपने यूज़ करनी होती है। और इसके साथ साथ किसान भाइयों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके बर्ड में जो दिक्कत आई है वो किस कारण से आई, कहाँ पर आपसे चूक हो गई, आपने उनको अच्छा टेम्परेचर नहीं दिया, या फिर आपका जो लीटर है वो नहीं अच्छा रहा। यदि आपको कारण नहीं पता है और आप उस कारण को, उसका अच्छे से सोल्यूशन नहीं करते हैं, तो सीआरडी या और बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाली बीमारी आप से आपके फार्म से जाने को इसको थोड़ा टाइम लग सकता है, बेशक आप कितनी भी मेडिसिन क्यों ना यूज़ कर रहे हो। तो यदि मेरे केस की बात करें, तो मेरे बर्ड में भी जो थोड़ी सी साउंड की समस्या वो आनी स्टार्ट हो गई है, तो इसके लिए ही मैं जो आपको बताया है कि एंड्रोसिन बीएच जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको मैं ये भी क्लियर कर दूँ कि आप चाहे कोई भी एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हो, एंड्रोसिन हो या फिर कोई पाउडर फॉर्म में यूज़ कर रहे हो, तो उसके साथ आपको मल्टी विटामिन और जो लिवर टॉनिक है वो ज़रूर साथ चलाना है। अब ये भी कई किसान भाइयों का क्वेश्चन रहता है कि क्या हम एंड्रोसिन के साथ मल्टी विटामिन मिक्स कर दे सकते हैं, लीवर टॉनिक मिक्स कर दे सकते हैं।
तो किसान भाई इस केस में मैंने जो पर्सनली देखा है कि जब एंड्रोसिन आप मल्टीविटामिन के साथ मिक्स करते हैं तो इससे एक रिएक्शन होता है, तो ये थोड़ा उसमें जमने लगता है। तो मेरी आपसे यही सुजेशन है कि आप खाली इसको यूज़ करें, एंड्रोसिन जो 20% BH के साथ आ रही है जो आप देख रहे हैं इसको यूज़ करें, और जो आप बाद में उनको मल्टीविटामिन या फिर आपने लीवर टॉनिक देना है जैसे कि आप देख रहे हैं अब इनको मैंने मल्टीविटामिन और लीवर इनका चल रहा है। तो यदि बात कर लूँ इसके प्राइस की तो 1 लीटर की पैकिंग है जी आपको आराम से किसान भाइयों 1100 से लेकर 1200 रुपीज़ तक आपके एरिया में मिल जानी चाहिए। इसके अलावा यदि किसी किसान भाई को अनमोल फीड की रिक्वायरमेंट रहती है, ज़रूरत रहती है, वो पंजाब या हरियाणा से बिलोंग करता है, तो वो मुझे नीचे कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकता है, जहाँ आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जहाँ यदि कोई किसान भाई किसी और स्टेट से है और उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 5-6 टन एक बैच में रहती है फीड की, तो वो भी हमें जो है हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है, तो हम कोशिश यही करूँगे कि उनके तक भी ये जो अनमोल फीड है हमारी पहुँचाई जाए। तो मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ कि मेरे फार्म में पे जो आवाज़ है या CRD को लेकर जो दिक्कत स्टार्ट हुई है वो लीटर को लेकर है। आप देख सकते हैं कि लीटर इनका गीला है, तो इसी कारणवश मैंने इनकी जो लिफ्टिंग है आज करवाई थी, क्योंकि ये जो बर्ड फ्लू के कारण मुझे बर्ड रोकना पड़ा था। आप जानते हैं कि 32-33 दिन में मैं जो सारा माल अपना लगभग 2 kg प्लस हो जाता है तो वो मैं निकाल देता हूँ, लेकिन इस बार मुझे काफ़ी टाइम जो है एक्स्ट्रा इनको अपने फार्म पर रखना पड़ा है। कारण इसका आप जानते ही हैं कि जो बर्ड फ्लू के कारण मुर्गा मंडी काफ़ी डाउन चली गई थी। तो किसान भाइयों यदि कोई मेरी इस वीडियो में आपको बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आप कोई किसी रिलेटेड टॉपिक पर अपनी वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पर मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक को कवर ज़रूर करूँ। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हम नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो आपके लिए लेकर आएँ उसका जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल सके। आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।